हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी नेहा व्लॉग्स चैनल पर। और फिलहाल आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि आज का व्लॉग मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुका हूँ, अब से 3 घंटे पहले। लेकिन आज आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने एक ब्लॉग देखा है, विजय रिया ब्लॉग्स, किसी पहचान का मोहताज नहीं है वो ब्लॉग चैनल। उस ब्लॉग चैनल को आप हर कोई जानते हैं, विजय रिया ब्लॉग्स एक ब्रांड है, एक ऐसा ब्लॉग चैनल है यूट्यूब पर जिससे शायद कोई भी अनजान नहीं है और हर किसी के दिल की धड़कन बन चुका है विजय रिया ब्लॉग्स। कुछ ही देर पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा, जो कि अभी फिलहाल मैं देख के फ्री होके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। स्पेशली छोटा होगा, 3 से 4 मिनट का होगा, लेकिन इसके अंदर बात करने वाले हैं विजय रिया ब्लॉग्स चैनल के बारे में। उन्होंने अभी हाल ही में ये बोला है कि अब वो लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के कारण उनको परेशानी हुई है। और हाँ, ये वही लोग हैं जो उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। दोस्तों देखो, हर एक की एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है। विजय रिया ब्लॉग जो है, विजय और रिया जी ने दोनों ने काफ़ी मेहनत की है इस मुकाम तक आने के लिए, लेकिन कुछ लोग सिंपल उनके पास जाकर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन चीज़ों को वो डाल रहे हैं और वो सोचते हैं कि वो स्टार बन जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, विजय रिया जी की भी एक पर्सनल लाइफ है, तो प्लीज़ आप लोग उनको जीने दें। और जिस तरीके से वो सब लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं अपने चैनल के जरिए, अपनी जो शैली है, अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो बताते हैं, तो उन्हें बताने दीजिए। और जितने भी लोग उनके पास जा रहे हैं, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ना जाएँ, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें, क्योंकि आप लोगों की वजह से पहले वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में आ चुके हैं अभी जैसा उन्होंने बताया। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, और किसी के पास जाने से, विजय जी या रिया जी के पास जाकर आप उनका इंटरव्यू ले आओगे, उनसे दो बात कर लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार बन जाओगे। आपकी खुद की ही मेहनत आपको स्टार बना के छोड़ेगी। तो भाई आप लोग घर पर रहकर ही मेहनत करें, जैसा कि वो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और मैं भी यही कहूंगा कि आप लोग घर पर रहें, घर पर रहकर ही मेहनत करें ना यार। तो जो यूट्यूबर उनके पास सिर्फ व्यूज के लिए जाते हैं कि उनका व्लॉग डालने से, उनके साथ व्लॉग डालने से व्यूज आ जाएंगे, तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। व्यूज तो आएंगे, लेकिन आपको 400, 500, 300, 200 जैसा कि उन्होंने बोला है, वो 101% राइट बात है, इतने ही व्यूज आएंगे, लेकिन आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्यों ना आप घर पर रहकर अपना ही एक जो भी वीडियो आप क्रिएट करते हैं, जो आपका टेक चैनल है या आपका ब्लॉग चैनल है या आपका जिस भी कैटेगरी में चैनल है, आप उसी चैनल से रिलेटेड अगर वीडियो डालते हैं अपने को लेकर, तो शायद वो वायरल हो जाए, उनका कहना भी सही है। लेकिन जिस तरीके से आप उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप जाकर रोज डेली उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका सपोर्ट नहीं है परिवार के साथ में, पहली बात तो ये, दूसरी बात लव मैरिज कपल है, परिवार वालों ने अलग कर रखा है, फिर भी वो अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मतलब एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, एक मतलब बता रहे हैं उनका जो कल्चर है, उनके क्षेत्र का कल्चर है, उसको लेकर वो वीडियोज बना रहे हैं और अच्छे वीडियोज बनाते हैं। मैं खुद देखता हूँ पर्सनली, मैं खुद मतलब हर दिन उनका एक व्लॉग देखता हूँ, तो जाके मुझे चैन मिलता है, मैं खुद भी बोलता हूँ। तो आप क्यों नहीं जीने देते उन लोगों को, जीने दीजिए। और प्लीज आप लोग जाना छोड़ दीजिए, जो भी लोग वहां पर जाना चाहते हैं मत जाइए, आप लोगों को उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अगर किसी के बीच में दखलअंदाजी करोगे तो ये गलत बात है। तो विजय जी रिया जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बात है, और मैं भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप उन लोगों को परेशान ना करें। और जो भी यूट्यूबर सोचते हैं कि उनके पास चले जाएंगे, व्यूज वगैरह आ जाएंगे, तो भाई लोग आप बख्श दीजिए उनको, क्योंकि अब मतलब पानी सर से ऊपर चला गया उनको। तो आज उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं वो कितने परेशान है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय जी और रिया जी को अपनी ज़िंदगी जीने दो यार, और आप लोग अपनी ज़िंदगी जिए। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर रखता हूं मैं। ये व्लॉग नहीं था, व्लॉग ऑलरेडी मैं पहले डाल चुका हूं अभी से 2 घंटे पहले, लेकिन ये फिलहाल मैं एक छोटा सा मैसेज वीडियो डाल रहा हूं विजय जी रिया जी जो परेशान थे उसके लिए। तो प्लीज़ मैं भी आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें, और सभी का हक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वीडियो में आप लोगों को बताएं कि मतलब मुझे जीने दो यार, हमें मतलब जीने दो, ऐसा नहीं। तो उन्होंने जो चीज़ बोली मुझे बहुत बुरी लगी है, दिल पे लगी है, क्योंकि उन्होंने आज बोला है कि मतलब लोगों की वजह से उनको परेशानी हो रही है। तो प्लीज़ आप सभी यूट्यूबर ध्यान दें इस चीज़ को ऊपर, और जो मतलब जा रहे हैं, हर एक यूट्यूबर तो नहीं, पर जो उनके पास जा रहे हैं, उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, जो यूट्यूबर उनके पास जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, उनके साथ वीडियोज बना रहे हैं, उन यूट्यूबर की बोल रहा हूँ,
तो प्लीज आप लोग ध्यान दें, आप लोग ना जाएं, और जो जाने का सोच रहे हैं मन है उनका, प्लीज आप लोग कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था वीडियो में, बाकी सब आप लोगों को मेरे चैनल पर व्लॉग देखने के लिए मिल ही जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हम आपके लिए स्पेशली वीडियोस डालते रहते हैं। व्लॉग मैंने ऑलरेडी पहले डाल दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ विजय जी और रिया जी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है, तो उन्होंने तो मैसेज दे ही दिया था, लेकिन फिलहाल मैं उनकी तरफ से भी एक मैसेज आपके लिए डाल रहा हूँ।